तो आई एम रेडी टू गो नाउ। अपना ऋषिकेश का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब मैं निकल पड़ा हूँ देहरादून के लिए। वहाँ पे एक फ्रेंड से कैचअप करना है, कॉलेज का फ्रेंड, बहुत टाइम बाद। और मेरे साथ मास्टर्स में साथ में था, बुलंदशहर से बिलोंग करता है, तो उसके साथ कैचअप करूँगा मैं आज जाके। और डिसाइड है कि ये भी मैं हिच हाइकिंग करूँगा, इसमें भी ऋषिकेश से देहरादून जो है मैं हिच हाइकिंग करते हुए जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषिकेश में जो है आपका ट्रेन नहीं आती है, ट्रेन स्टेशन है बट मेजरली हरिद्वार तक ट्रेन आती है, जो भी है मेजर, जितनी भी खास ट्रेन है, मेजर ट्रेन्स हैं, और वहाँ से फिर वो देहरादून की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे आसान रास्ता आने का है बस से और टैक्सी से, अपना प्राइवेट व्हीकल से, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी आपको। और हरिद्वार से कुछ नहीं मिला तो ऑटो मिल जाएगा जो 50-60 रुपए हार्डली लेता है, और आपको यहाँ तक ऑटो प्रॉपर आपको ड्रॉप कर देगा। तो ये रहा ऋषिकेश का बस स्टैंड, लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, मेरे को लगे आधा पौना घंटा वॉक करने में, लगभग 45 मिनट्स। ये इधर आगे आपका ऋषिकेश और इधर आपका देहरादून। स्टॉपिंग सर, कहाँ तक जा रहे हैं आप? तक जा रहा हूँ, आगे तक छोड़ देंगे, देहरादून जाऊँगा मैं ऐसे लिफ्ट लेते हुए। कितना आगे तक जा रहे हैं आप? तक जा रहा हूँ 2 किलोमीटर। हाँ वहाँ देहरादून वाली मिल जाएंगे आपको, प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। डे की फर्स्ट लिफ्ट तो मुझे मिल गई, वो एक भाई साहब जा रहे हैं तो हमें, वो मुझे छोड़ के गए यहाँ तक चौक तक। अब मैं कुछ आगे के लिए फिगर आउट करता हूँ, थोड़ा सा आगे खड़ा होता हूँ छाया में, मैं यहाँ से देखता हूँ। मैं सर देहरादून जाना है, कहाँ तक छोड़ेंगे? देहरादून ही जाऊँगा। क्या बात है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच सर। चलिए ये तो एकदम लकी चाम हो गया सर, देहरादून ही जा रहा हूँ सर मैं तो, फ्रेंड से मिलना है मेरे को, तो कहीं भी आप छोड़ दीजिएगा। कहाँ तक जा रहे हैं आप? ISBT जाना है। ISBT चलेगा मेरे को ना, उधर घंटाघर वाली साइड जाना है। कोई बात नहीं, प्रिंस चौक छोड़ देना। बहुत बढ़िया, प्रिंस चौक होते हुए जाएंगे ना? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉबी जी जाते हुए बहुत ही अमेजिंग बंदे मिले मेरे को, हार्डली 2-3 मिनट ही मुझे खड़ा होना पड़ा था ऋषिकेश में, और ये आए इन्होंने मेरे को लिफ्ट दी देहरादून तक के लिए। तो दो ही लिफ्ट लेनी पड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, कमाल है यार, दो लिफ्ट में काम हो गया। 10:45 हो रहे हैं और मैं देहरादून पहुँच नहीं गया, 1 घंटे का ड्राइव था, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट्स लगे बस। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिफ्ट लेके जाना है या ऑटो लेके चल लेंगे, अब तो शहर ही आ गया है। ओके, एकदम शहर के बीचों बीच
और एक्सप्लोर कराते हैं। आपको राइट जाना है ना? ठीक है, चलेगा। चलो थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स। तो ये नीचे की तरफ उतरता रास्ता और ये रहा मैं। यहाँ ऊपर ये हेलीपैड है ONGC वालों का और ये यहाँ से रास्ता निकलता कोलागढ़। बस कॉलेज के बगल में ही टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का भी है। यहाँ से देखिए अमेजिंग है ये तो। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के एक हिस्टोरिकल सिटी देहरादून में और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का ISBT है। तो ऋषिकेश फिनिश करने के बाद मेरे एक फ्रेंड से मिलने का प्लान बना इंस्टेंट और मैं देहरादून आ गया। तो जैसे कि मैंने दिल्ली से लेके और अपना गाज़ियाबाद से लेके और अपना हरिद्वार तक का डिस्टेंस मैंने हिचहाइकिंग के थ्रू कवर किया था, तो वैसे ही सेम उसी तरह से आज सुबह मैंने ऋषिकेश से भी हिचहाइकिंग लेते हुए देहरादून तक का ट्रैवल किया। देहरादून अपने आप में आइकॉनिक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, बहुत सॉलिड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है। जब उत्तरांचल स्टेट नहीं बना था 2000-2001 से पहले, उस समय UP की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी, बट देहरादून का अपना इन्फ्लुएंस हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, बहुत ही जाने माने बहुत फेमस स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। और हिमाचल और JNK के पास होने की वजह से यहाँ पे आपका उधर JNK, हिमाचल, हरियाणा, उधर की सिटीज़ से भी बच्चों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के लिए आना जाना बना रहता है। तो 2000-2001 में उत्तरांचल गढ़वाल रीजन जो है अपना उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया उत्तरांचल, जिसकी कैपिटल बनी देहरादून। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया। चारों तरफ से बहुत ही छोटा सा सिटी है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको दून भी बोला जाता है, दून वैली। तो थोड़ा सा वैली में पड़ता है ये। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स। जो आइकॉनिक दून स्कूल भी जो है वो देहरादून में ही पड़ता है, जिस दिल्ली जाते हुए सहारनपुर इसका एक सिटी पड़ता है, दूसरी तरफ पे आप इसमें जाएंगे तो मसूरी पड़ता है ऊपर की तरफ, और वन साइड पे आपका ऋषिकेश और हरिद्वार है। इसके अलावा एक साइड और रह जाती है जिसमें अगर आप तकरीबन 50-60 किलोमीटर जाएंगे तो पौंटा साइड टच होता है जो कि हिमाचल का रीजन है। तो ये तीन चार स्टेटों से कवर्ड है, बहुत बढ़िया शहर है। बहुत टाइम बहुत कम था और बहुत सारे लोगों से मिलना था मुझे, अपने कॉलेज जाना था IHM देहरादून, जहाँ पे मैंने 2006 से लेकर 9 तक स्टडीज़ करी। फर्स्ट बैच था, रैगिंग का कोई डर नहीं था, इसलिए मेरे फादर साहब ने मुझे यहाँ पे एडमिशन करा दिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ एक दिन का टाइम था और मेरे कमिटमेंट्स कुछ ज़्यादा ही थे। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा और देहरादून ही स्पेशली आऊँगा टाइम निकाल के, और मसूरी, और तब आपको देहरादून का टूर कराऊँगा और एक एक अच्छी जगहें आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। अब मैं अपना होम टाउन के लिए निकल रहा हूँ, तो पीछे बसेज लगी हुई है लाइन से, कैच करते हैं और निकलते हैं जल्दी और चलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अच्छे हैं बुरे जैसे भी हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप मिलेगा। अच्छे लग रहे हैं तो बूस्टअप होता है, एक्साइटमेंट आता है, काम करने में और मज़ा आता है। रियल सजेशंस मिलेंगे, नेगेटिव भी हैं तो भी दीजिए, फीडबैक दीजिए, इम्प्रूव करेंगे, बेहतर होते रहना ही लाइफ का नियम है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय।